अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली एक इसकी बेस है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो उसके लिए हाइड्रोकार्बन की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। हाइड्रोकार्बन्स में तीन बेसिक जो हम पढ़ेंगे वो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले कि अल्केन होते क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, नोमेनक्लेचर क्या है, अल्केन्स के आइसोमर्स क्या हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्केन का नोमेनक्लेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोअल्केन्स, और फिर अल्कीन और अल्कीन की यही सब टॉपिक्स, एंड देन अल्काइन्स और उनकी ये सब टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्केन्स से। अल्केन्स क्या होते हैं? ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। पहले तो आप ये समझ लें कि हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है। हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि इसके नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही नहीं होते, बल्कि इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए जो इसेंशियल चीज़ है, वो ज़रूरी चीज़ है इनके अंदर, वो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का होना मस्ट है, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब हाइड्रोकार्बन में जो सबसे बेसिक और सबसे पहले जो चीज़ स्टडी की जाती है वो है अल्केन। अल्केन क्या है? दीज आर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, यहाँ पे एलिफैटिक का मतलब ये है कि ये ओपन चेन होते हैं, मतलब ये एरोमेटिक नहीं होते, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। एरोमेटिक तो बेंजीन या इस तरह के रिंग्ड फॉर्म होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन्स एलिफैटिक में हम स्टडी करते हैं वो हम नॉन एरोमेटिक या नॉन बेंजीनिक सिस्टम स्टडी करते हैं। अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। सैचुरेटेड क्या चीज़ होती है? कि जिसमें फर्दर कोई चीज़ ऐड ना की जा सके, मतलब उसके बॉन्ड्स कंप्लीट हों, उनमें फर्दर बॉन्ड्स ऐड ना किए जा सकें, कोई उसका एडिशन रिएक्शन उसके ना हो सकते हैं, उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। जो इनका जनरल फार्मूला है अल्केन्स का, CnH2n+2, C मतलब कार्बन्स और N नंबर ऑफ कार्बन्स, H हाइड्रोजन और 2N मतलब नंबर ऑफ कार्बन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 करेंगे तो वो हाइड्रोजन का नंबर होगा इसमें। यहाँ पे एक सिंपलर एग्जांपल, सबसे सिंपल और फर्स्ट अल्केन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसको हम मीथेन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्केन का स्ट्रक्चर कैसे है। अल्केन्स सिंपल अनब्रांच या स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। और ऐसे अल्केन जो स्ट्रेट चेन होते हैं और उनमें आसपास ब्रांचेस नहीं होती, उनको एन अल्केन या नॉर्मल अल्केन्स कहा जाता है। जैसे कि यह आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है एक अल्केन का, इसमें 9 कार्बन है, 9 कार्बन्स, इसलिए इसको नोनेन कहा जाता है या एन नोनेन इन नॉर्मल नोनेन। और ये इस तरह पीक्स की फॉर्म में, इसको एक मॉडर्न प्रोसीजर है, मॉडर्न मेथड है इसको एक्सप्लेन करने का या इसको रिप्रेजेंट करने का अल्केन्स को। इसमें हर एक जो पीक है ये कार्बन को आइडेंटिफाई करती है, मतलब यहाँ पे कार्बन है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 नौ कार्बन है इसमें, इसलिए इसको नोनेन कहा जाता है। अच्छा, अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें अल्केन की, तो नोमेनक्लेचर के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम है IUPAC,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने कुछ रूल्स सेट किए हैं टू नेम हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। बल्कि जो भी केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स, वो आईओपैक के अंदर ही उनको नाम दिया जाता है। तो अब अगर हम इस आईओपैक नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव कुछ एल्केन्स का यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये नंबर ऑफ कार्बन्स के हिसाब से इंक्रीज होता जाता है इनका। फॉर एग्जांपल मीथेन 1 कार्बन, इथेन 2 कार्बन्स, प्रोपेन 3 कार्बन्स। इसी तरह यहाँ पे मल्टीपल कार्बन सिस्टम को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं कि फर्स्ट हमने क्या करना है कि टू चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की चेन कौन सी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, इस साइड से अगर आप देखें या इधर से आप ऐसे देखें, तो आपने ये देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनती है, चाहे वो स्ट्रेट हो या इस तरह कर्व में। लॉन्गेस्ट मतलब नंबर ऑफ कार्बन किस चेन में ज्यादा है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन आते हैं स्ट्रेट चेन में। यहाँ से अगर हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आते हैं, राइट। इसको अगर हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, एंड 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आते हैं। अब ये देखना, लॉन्गेस्ट चेन तो अब इसमें हमने सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह से भी 5 हैं और इस तरह से भी 5 हैं। हम कोई से भी दो सेलेक्ट, कोई से इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें अब बेस्ट कौन सा है। सो नाउ देखते हैं हम, इसमें यह है कि इट इज नॉट द लॉन्गेस्ट चेन बिकॉज इट हैज टू सब्स्टिट्यूएंट्स 1 एंड 2। और इसमें अगर हम देखते हैं, द लॉन्गेस्ट चेन इज मोस्टली ब्रांच्ड। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज हमने ये देखनी है सिलेक्शन में, कि अगर इस तरह स्ट्रेट में भी 5 कार्बन्स बन रहे हैं और इस तरह से कर्व में भी 5 कार्बन्स बन रहे हैं, तो हमने इसमें ये देखना है कि किस चेन में मोस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। जैसे कि इसमें आप देखें कि 1, 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इसमें देखें 1 एंड 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इसमें हम इसको सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा आ रहे हैं। दूसरा इसका पॉइंट ये होगा, टू आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स अटैच टू द पेरेंट चेन, मतलब पेरेंट चेन पे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पे सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से अटैच हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स सपोज इस स्ट्रक्चर में ये लॉन्गेस्ट चेन है 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन को नंबरिंग दी हुई है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे एक CH3 ग्रुप अटैच है, तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मिथाइल ग्रुप इस सेकंड पोजीशन पे अटैच है। ये चीज तो हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे नंबरिंग इस साइड से क्यों स्टार्ट हुई है, इस साइड से स्टार्ट क्यों नहीं हुई। हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट्स का लेस नंबर बनता हो। जैसे कि इस साइड से स्टार्ट करने 1, 2, तो सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट CH3 अटैच हुआ है। इस साइड से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4 फोर्थ पे बनता है, लेकिन हमने इस लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है ताकि सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आए, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स जो अटैच्ड है उसको लीस्ट नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले, राइट। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि अगर एक लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, इसमें देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन की एक ऑक्टेन चेन हमने सेलेक्ट कर ली, इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये नीचे CH3 और ऊपर CH2 CH3, ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं इसमें। अब हमने इन सब्स्टिट्यूएंट्स को इस ऑक्टेन के नेम से पहले लिखना है, राइट। कैसे लिखेंगे,
हमने इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट की, क्यों? क्योंकि इस साइड पे 1, 2 एंड 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा था और इस साइड से स्टार्ट करते तो नंबर ज़्यादा बनता। तो इस साइड से हमने स्टार्ट किया तो 3rd नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है, राइट, और ये 4th नंबर पे इथाइल ग्रुप आ रहा है। अब इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक है मिथाइल एक इथाइल। तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो इथाइल मिथाइल से पहले आते हैं, क्योंकि इथाइल ई से स्टार्ट होता है और मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इथाइल को पहले लिखेंगे। जैसे ये नीचे आप देखें इसका नाम लिखा हुआ है 4-ethyl, फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है तो इथाइल का नाम पहले, और ये फोर्थ पोजीशन पे है तो यहाँ पे कार्बन का नंबर 4 शो किया हुआ है, 4-ethyl। थर्ड पोजीशन में मिथाइल है तो 3-methyl, और जो पेरेंट चेन थी 8 कार्बन वाली ऑक्टेन, 4-ethyl, 3-methyl, octane। यहाँ पे आप ये भी चीज़ देखें कि जो कोई भी नंबर दिया हो ना, जैसे 4 है, उसके बाद जो वर्ड है इथाइल उसको डैश से सेपरेट किया हुआ है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे भी वर्ड इथाइल के बाद नंबर को डैश से सेपरेट किया हुआ है, आपने भी ऐसा ही करना है। और कोई भी जब दो वर्ड्स आ रहे हैं तो उनको आपस में अपने मिला देना है, उन वर्ड्स के दरम्यान में कोई डैश नहीं। इस तरह यहाँ पर मिथाइल ऑक्टेन दो वर्ड्स हैं लेकिन इनके दरम्यान में ना डैश है ना स्पेस है, इनको आपस में मिला देना। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक लॉन्गेस्ट चेन हम देख लेते हैं, 1, 2, 3, ये वही वाला है, 1, 2, 3, थर्ड पोजिशन पे मिथाइल एंड 4, 5th पोजिशन पे इथाइल। अब इसका अगर हम नेमिंग देखें, 4-ethyl, 6-methyl octane, ये कैसे हुआ हुआ कि अगर हमने राइट साइड पे नंबरिंग स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, इस पोजीशन पे इथाइल बन रहा है और 5 एंड 6 पोजीशन पे मिथाइल, तो दिस इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि अगर हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट बनता है, लेफ्ट साइड पे स्टार्ट करते हैं तो 3rd पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट बनता है। सो लेफ्ट साइड से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। सो इस तरह करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, सो 5-ethyl, 3rd पोजीशन पे मिथाइल है तो 3-methyl ऑक्टेन, दिस विल बी द करेक्ट नेम। अच्छा, अब अगर एक चेन पे जिस तरह ये मिथाइल है एक से ज्यादा सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं तो क्या करेंगे? अगर इसी कार्बन पे, कार्बन की चेन पे जहां इथाइल की जगह पे मिथाइल होता तो हम क्या करते? हम ये करते कि इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर लिखते, जैसे लेट्स सपोज ये 3rd पे है और ये 5th पे है, तो हम क्या करते 3, 5 दोनों नंबर साथ लिखते, 3, 5, 3, 5, देन क्योंकि ये दो एक जैसे थे तो हम क्या करते डाईमिथाइल ऑक्टेन। सो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज्यादा हों सेम टाइप के तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हम डाई ट्राई टेट्रा की फॉर्म में लिखते हैं, और जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो जो डाई ट्राई टेट्रा उनको उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। डाई ट्राई के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम इग्नोर करके सिंपल इथाइल या मिथाइल लिख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे डाईमिथाइल बनता है, डाईमिथाइल, तो हम डी की वजह से मिथाइल को पहले नहीं लिखेंगे बल्कि इथाइल को हम पहला लेटर कंसिडर करेंगे। सो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम देंगे। तो अब हम आइसोमर्स देखते हैं अल्केन्स के। अल्केन्स को हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, 4 किस्म के अल्केन में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे है कि अगर एक कार्बन एक ही दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो तो उसको हम प्राइमरी कहेंगे, अगर एक कार्बन फर्दर दो के साथ अटैच हो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नंबर वन पे जो कार्बन है ये सिर्फ 7 के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी है। नंबर 7 जो है ये नंबर 5 एंड नंबर 1 दो के साथ अटैच है, और इधर एक 8 के साथ, 3 के साथ अटैच है तो ये टर्शरी है। सो यहाँ पे आप 6 को देखें, 6 इधर 8 के साथ अटैच है, इधर 3 नंबर 3 के साथ तो ये सेकेंडरी है। 8 को देखें, ये 2, 4, 7 एंड 6 4 के साथ अटैच है तो ये क्वार्टनरी है। अच्छा, अब कुछ हम अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अल्केन की, तो अल्केन्स का
जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो और मेल्टिंग पॉइंट ये बहुत कम होते हैं। इसकी रीजन ये है कि जो शुरू वाले अल्केन्स होते हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, ये गैसेस होती हैं। तो गैसेस का जैसे कि आपको पता है कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि इनकी नेचर चेंज होती जाती है। जैसे कि पहले वाले फोर जो हैं वो गैसेस होंगे, फिर 17 तक लिक्विड, देन उसके बाद सॉलिड स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है जब नंबर ऑफ कार्बन चेन में इंक्रीज होते जाते हैं। अब हम कुछ अगर इनकी प्रिपरेशन की बात करें तो अल्केन्स को कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपके पास एक अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला ब्यूटाइन है, तो उसकी सिंपल हाइड्रोजिनेशन करके, उसमें H2 की एडिशन करके, इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट, प्लैटिनम, प्लैडियम एंड निकल, इनकी प्रेजेंस में या इनमें से किसी एक की प्रेजेंस में, जनरली निकल यूज किया जाता है, इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन को इन बॉन्ड्स में ऐड करके तो अल्केन्स सिंथेसाइज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ आप देखें, ब्यूटाइन, टू ब्यूटाइन का H2 के साथ रिएक्शन किया है, तो इन दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन अटैच हो गया है H2 में से, तो ये अल्कीन बन गया है, टू ब्यूटीन या ब्यूटीन टू सेकंड पोजिशन पे डबल बॉन्ड। नीचे आप देखें, इसी ब्यूटीन का रिएक्शन जब दोबारा H2 के साथ करवाया गया है, तो दोबारा से ये हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड को तोड़ के इन दोनों कार्बन पे अटैच हुआ है, तो ये ब्यूटेन बन गया। मतलब अल्केन और अल्कीन से अल्केन्स, अल्काइन और अल्कीन से अल्केन को सिंथेसाइज किया जा सकते हैं। एक और रिएक्शन है, अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, CH3I, कोई भी सी आर एक्स अल्काइल हैलाइड, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप और एक हैलाइड ग्रुप, तो उसको सोडियम के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो उस केस में भी अल्केन को सिंथेसाइज किया जा सकते हैं। एक और प्रोसीजर ये है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, तो उसका रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो उस केस में भी अल्केन सिंथेसाइज हो सकता है, एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एज अ बाई प्रोडक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज उधर एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पे ये यह कि जो फर्स्ट फोर अल्केन्स हैं वो गैशियस होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जो अनब्रांच्ड अल्केन्स पेंटेन तक, और हेप्टेन मतलब हेप्टा डिकेन जो 17C17 तक है वो लिक्विड है। फर्स्ट फोर वाले गैसेज रूम टेम्परेचर पे, फिर पेंटेन से लेके हेप्टा डिकेन मतलब C17 17 कार्बन वाले कंपाउंड तक लिक्विड होंगे, फिर उसके बाद सॉलिड हो जाएंगे। यहाँ पे भी यही एक्सप्लेन है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज देयर ब्रांचेस और इंक्रीज देयर नंबर ऑफ कार्बन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है पेंटेन की, इसका बॉइलिंग पॉइंट 36 डिग्री। अच्छा, इसी पेंटेन को अगर हम ब्रांच में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। ये अब लॉन्ग चेन में है, स्ट्रेट चेन में है, तो ये स्टेबल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, 36 है। तो इसी को अगर इसमें से ये साइड वाले CH3 को उठा के यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे पुट कर दिया जाए, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 28 डिग्री हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक और अगर ब्रांचिंग उसकी इंक्रीज कर दी जाए तो बॉइलिंग पॉइंट 9 तक पहुंच जाएगा। अगर इसके अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि ये किस किस्म के रिएक्शंस करते हैं, तो ये जनरली जो रिएक्शन करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, डिस्ट्रक्शन रिएक्शंस, इस तरह के रिएक्शंस करते हैं। और अल्केन बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, क्योंकि इनमें सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन हम जनरली जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, इसका स्टडी करते हैं। जैसे कि एक CH4 का Cl2 के प्रेजेंस में, Cl2 के साथ फ्री रेडिकल रिएक्शन हुआ, तो ये CH3Cl क्लोरोमीथेन बन गया। अगर इस क्लोरोमीथेन का दोबारा Cl2 के साथ फिर रेडिकल रिएक्शन होगा तो ये डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा, एंड फर्दर अगर इसका रिएक्शन होगा दोबारा Cl2 के साथ तो ट्राइक्लोरोमीथेन, एंड फर्दर दोबारा रिएक्शन करके ये टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 बना देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्केन का, जो मोस्टली स्टडी किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम साइक्लो अल्केन्स क्या हैं।
अल्केन्स की साइक्लिक फॉर्म को साइक्लो अल्केन्स कहा जाता है और इनका जनरल फार्मूला है CnH2n। इसमें हम प्लस टू नहीं करते क्योंकि जब साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। अगर इसके नॉमन क्लेचर की बात करें तो इसको भी सिंपली अल्केन्स की तरह ही नाम दिया जाता है, लेकिन स्टार्ट में इसको हम साइक्लो का वर्ड ऐड करते हैं। जैसे ये प्रोपेन था तो ये साइक्लिक फॉर्म में है तो हम इसको साइक्लो प्रोपेन कंसिडर करते हैं। अगर इसके हम आयोपैक रूल्स की बात करें, अगर इन पे एक ही सब्सटेंस अटैच है, जैसे कि ये साइक्लो पेंटेन है, इस पे CH3 अटैच है, तो हम क्या करेंगे, सब्सटेंस का नेम उस पेरेंट रिंग के नेम से पहले इंपोर्ट कर देते हैं। जैसे कि साइक्लो हेक्सेन है तो ये इथाइल साइक्लो हेक्सेन सब्सटेंस का नेम उसके नेम से पहले हमने इंपोर्ट कर दिया। अब अगर दो सब्सटेंस हैं, दो से ज्यादा हैं, फिर उसको नंबरिंग की जाती है। जैसे कि ये फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है तो 1-methyl-2-propyl-cyclopentane। तो अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस हैं तो फिर उनको नंबर दिया जाता है कि इस पोजीशन पे कौन सा सब्सटेंस अटैच है, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम करते हैं, जैसे कि हमने अल्केन्स के केस में स्टडी किया था। अल्कीन्स क्या है कि कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको अल्कीन कहा जाता है। जैसे कि ये देखें, आप एक अल्केन है, इसके जनरल फार्मूला ये है, और अल्कीन है, इसका भी जनरल फार्मूला CnH2n है, जैसे कि साइक्लो अल्केन का था। क्यों? क्योंकि इसमें भी दो हाइड्रोजन लेस हो जाते हैं जब डबल बॉन्ड बनता है, दोनों कार्बन से एक हाइड्रोजन लेस हो जाएगी। अल्कीन एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है और ये मोस्टली प्लांट्स में एज अ हार्मोन एक्ट करता है और सीड जर्मिनेशन, फ्लावर मैचुरेशन एंड फ्रूट क्राइपिंग वगैरह में हेल्प आउट करता है। अगर अल्केन के नॉमन क्रेचर की बात करें तो सिंपली हम क्या करते हैं कि जिस तरह अल्केन का नॉमन क्रेचर था उसी तरह हम लिख करते हैं, लेकिन सिर्फ लास्ट में जो हम उसको हमने अल्केन पे मतलब मीथेन पे ए एन ई पे ख़त्म किया था, इसको हमने लास्ट पे ए एन ई को रिप्लेस कर देना है ई एन ई से। अब इसमें भी हमने वही करना है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे कि आप ये देखें, ये 1-butane, 2-butane, 2-hexene है, इसमें ये 1, 2, 2, ये जो है ये नंबर ऑफ कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको डिनोट करता है। ये नीचे आप स्ट्रक्चर अगर देखें 2-propyl-1-hexene, तो इसमें देखें ये स्ट्रेट चेन तो लॉन्ग बनती थी ये वाली, लेकिन यहाँ से ये नीचे क्यों सेलेक्ट किया, ये इसलिए सेलेक्ट किया है, इसकी रीज़न ये है क्योंकि इसमें ये डबल बॉन्ड है, हमने वो सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड हो, चाहे इस साइड पे लॉन्गेस्ट बन रही है, लेकिन हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे कंटेनिंग डबल बॉन्ड फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया हमने कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ये लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, और ये लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपने ये चीज़ एक और याद रखनी है कि हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिस साइड से डबल बॉन्ड करीब आता हो। पहले हमने सब्सटेंस की बात की थी, इस साइड भी हम डबल बॉन्ड की बात की। जैसे कि देखें 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हैं, इस साइड से लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो राइट साइड से CH3 मिथाइल सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे नंबर में। इसमें भी आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे ये करीब आ रहा था डबल बॉन्ड, तो इस साइड से स्टार्ट किया है, तो ये 3-6-dimethyl-3-octene, वाई 3-6 थर्ड एंड सिक्स पोजीशन पे दो मिथाइल हैं तो डाईमिथाइल, और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 3-octene। और इसका भी इसी तरह नाम दिया 5-bromo-4-chloro, ये ब्रोमो एंड क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हुए हैं, एंड 1-heptene फर्स्ट पोजिशन पे डबल बॉन्ड है तो 1-heptene। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इनको भी देख सकते हैं 2-5-dimethyl-4-octene एंड 2-bromo-4-methyl-3-hexene। अब जो साइक्लिक अल्कीन्स हैं, साइक्लिक अल्कीन्स में भी हम, क्योंकि नंबरिंग तो हमने वहाँ से स्टार्ट करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड करीब हो, तो नंबरिंग हम डबल बॉन्ड वाली पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और उस साइड पे जाते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड का दूसरा कार्बन हो। फॉर एग्जाम्पल 1, इस साइड पे जाएंगे तो 2,
एंड थर्ड पोजीशन पे सबजॉइंट आएगा तो 3-ethylcyclopentene। ये कुछ आइसोमर्स हैं अल्केन के, जैसे कि आप देखें ये बेसिकली ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 1-butene, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इस सेकंड पोजीशन पे इस साइड पे करके डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, मतलब 1, 2, 3 कार्बन वाली, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें 1, 2 सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और इस साइड पे भी जा रहा है, तो 1, 2, 3, 4 ये ब्यूटीन होगा। लेकिन इसको सिस ब्यूटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो CH3 CH3 दोनों जब एक साइड पे आ जाते हैं इस डबल बॉन्ड के, तो इसको सिस कहा जाता है। और यहाँ पे इसको ट्रांस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये CH3 CH3 जो बड़े ग्रुप से हैं ये दोनों अपोजिट साइड पे आ जाते हैं, तो इसको हम ट्रांस अल्केन, ट्रांस टू ब्यूटीन कहते हैं, ये ट्रांस ब्यूटीन कहते हैं। यहाँ पे एक और सिस्टम है इनको नेमिंग देने का, ई और जी नोमेनक्लेचर। ये क्या होता है कि यहाँ पे अगर ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखें तो बल्की ग्रुप्स, दो बड़े ग्रुप्स जब अपोजिट साइड पे आ रहे हों दो डिफरेंट कार्बन पे, तो उसको हम ई कहेंगे। राइट, देखें इस लेफ्ट कार्बन पे एक देखें, ऊपर CH3 है, नीचे CH2 CH3 है, इसमें से ये CH2 CH3 बड़ा ग्रुप है, तो इसमें नंबर 1 ये वाला हाईएस्ट प्रायोरिटी में ये है। राइट साइड वाले में देखें ऊपर इथाइल है, नीचे प्रोपाइल, 3 कार्बन नीचे हैं, तो ये बड़ा ग्रुप है नीचे वाला, तो ये भी नंबर 1, ये भी नंबर 1 है, और ये भी दोनों साइड पे नंबर 1 नीचे आ रहे हैं एक ही साइड पे, तो इसको हम जी कहेंगे, मतलब जी मीन साइड, एक साइड पे। और यहाँ पे देखें ये नंबर 1 इस साइड पे नीचे है और राइट साइड पे नंबर 1 ऊपर है, तो इसको हम ई कहेंगे, मतलब अपोजिट साइड पे एनिमी। ई से एनिमी हम याद रखने के लिए कर सकते हैं कि एनिमी अपोजिट साइड पे। अल्कीन को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उस केस में अल्कीन प्रिपरेशन हो सकती है, अल्कीन की प्रिपरेशन हो सकती है। या अगर हमारे पास डाई हैलाइड है, कोई भी डाई अल्काइल 2,3-dibromobutane है, उसका जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो डबल बॉन्ड जनरेट होगा, और ये जो बॉक्स में दोनों ब्रोमीन है ये Br2 के फॉर्म में जिंक के साथ एलिमिनेट कर जाएंगे इस ग्रुप से, और अल्कीन जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि अल्केन का जब निकल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो इसकी डीहाइड्रोजिनेशन करवाई जाती है, तो ये प्रोपेन जनरेट, मतलब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया है। यहाँ पे भी आप देखें कि इसमें अल्केन में हाइड्रोजन ऐड किया हुआ है, तो अल्केन से अल्कीन बने, जैसे हमने पहले देखा था, पहले स्टडी किया था। अगर हम अल्केन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे जो लोअर अल्कीन्स होती हैं, मतलब जिनमें कम कार्बन होते हैं, वो गैसेज होती हैं, फिर उसके बाद वही उसी तरह जिस तरह अल्केन था लिक्विड्स, देन जो C18 से ऊपर चले जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन, तो वो सॉलिड हो जाते हैं। अब अगर कुछ रिएक्शंस की बात करें तो जब अल्केन Br2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये डबल बॉन्ड टूट के इसके दोनों साइड्स पे Br अटैच होता है, तो ये डाई ब्रोमो 1,2-dibromo इथेन में कन्वर्ट हो जाता है, 1,2-dibromo इथेन। यहाँ पे अगर हम इसकी हाइड्रो हैलोजिनेशन देखें, मतलब एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन ऐड हो रहा है, तो ये हाइड्रो ब्रोमिनेशन कहते हैं इसे, तो ये डबल बॉन्ड पे एक साइड पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक साइड पे यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। और इसमें हम एक रूल को फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकोव रूल। ये होता है कि जब किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में HBr को ऐड किया जाता है तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैच होता है, HBr में से हाइड्रोजन जो ये वाला होगा जिस पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और Br उस साइड पे जाता है जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं। एक और इसका रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड किया जाए जैसे कि हमने पहले देखा, तो इसकी रिडक्शन की जाए या इसको हम ये बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन की जाए, तो ये अल्केन इसमें से हमें मिल जाता है। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देते हैं KMnO4 के साथ वाटर के प्रेजेंस में, तो इस तरह ये डायोल दे देंगे, 1 और 2 दोनों पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप अटैच है OH, तो इसको हम डायोल कहते हैं। उसके बाद अगर हम अल्काइन की बात करें,
अल्काइन में आपने जैसे आप जैसे ये देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो C2H2N-2, मीन उसमें से दो हाइड्रोजन और हमने माइनस कर दिए हैं, जैसे कि अल्कीन में था ना CnH2n, इसमें CnH2n-2 होगा क्योंकि दो हाइड्रोजन और रिमूव होगी। और जिस हम इसकी हम नेमिंग करते हैं तो लास्ट में अल्केन में ANE था, अल्कीन में ENE था, तो इसमें YNE, जैसे कि ये देखें प्रोपाइन टू ब्यूटाइन। और बाकी हम नोमेनक्लेचर की नंबरिंग के रूल्स वही फॉलो करेंगे जो हमने अल्कीन में फॉलो किए थे, हूँ तो ड्राई डाई ट्राई टेट्रा उससे पहले हम पुट करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन किया हुआ है कि आयोपैक जो नेम है वही बताता है कि आपने लास्ट में ANE की जगह YNE पुट करना है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि नंबरिंग सिस्टम वहीं से स्टार्ट किया हुआ है जिस साइड से। अब यहाँ पे आप देखें कि दोनों साइड से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम बनती है, वहां से यहाँ से भी 1 2 3, इस साइड से भी 1 2 3, तो किसी भी साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लेफ्ट साइड को प्रायोरिटी देंगे। क्यों? लेफ्ट साइड पे ये दो सबजॉइंट्स हैं, सो दो सबजॉइंट्स करीब आ रहे हैं। इस साइड पे ये एक ही सबजॉइंट बनता है, इसलिए इस साइड पे दो सबजॉइंट हैं, दो सबजॉइंट की तरफ से हम इसको प्रायोरिटी देंगे। तो इसका नेम होगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल हैं, 2 2 डाई मिथाइल, और एक मिथाइल फिफ्थ पे है, 2 2 5 ट्राई मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 हेक्साइन। इसके अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जो लोअर अल्केन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पहले तीन थर्ड कार्बन तक वो गैसेस होते हैं, फिर उसके बाद C5 to C15 तक लिक्विड, देन उसके बाद सॉलिड्स। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जिस तरह अल्केन रिएक्शन करता था हेलोजिनेशन, ये भी हेलोजिनेशन करता है, और इसकी दोनों साइड्स पे ब्रोमीन, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगी। एच बी आर जिस तरह एल्कीन ने रिएक्शन किया था, ये भी उसी तरह एच बी आर के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रो हेलोजिनेशन, और ये भी वही रूल, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। हाइड्रेशन रिएक्शन हो सकता है, इसमें वाटर की एडिशन हो सकती है। वाटर की एडिशन में होगा कि वाटर का एक हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के एक साइड पे अटैच हो जाएगा, जब ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल में कन्वर्ट होगा, और OH दूसरे साइड पे अटैच हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।